हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड एक स्मॉल कैप आईटी का शेयर काफी दिग्गज आईटी का शेयर विजय केड़िया सर ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए इससे पहले भी हमने उसे के बारे में चर्चा करी थी और उस टाइम हमने एक तुन्ती से तुन्ती तक के आई थिंक रिटर्न वहां पर कमाए थे अगेन अपॉर्चुनिटी सेम सेम बनी हुई है वहां पर आप तुन्ती से ट्वेंटी थ्री मंथ्स आप कमा सकते हैं मैंने वहां पर ऑलरेडी दो तीन दिन पहले यहाँ पर पोजिशन ली थी ओके आज के दिन दोबारा खरीद रहा था बट वहां से वो भाग गया तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं उस वीडियो से रिलेटेड बट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली इस तरीके की वीडियो आपको, बटन नहीं है, किसी तरीके आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है सिंपली आपको सीखना है सीखने के लिए यहाँ पर प्ले बना रखी है यहाँ पर डेली वे वाइज यहाँ पर वीडियोज बनाई जाती है नए नए शेयर से रिलेटेड हम चर्चा करते हैं किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग करके साल का चालीस पचास साठ तक यहाँ पर कमा सकते हैं तो ये वीडियो की तरफ करते हैं चलते हैं और जानते हैं तो देखिए यहाँ पर हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बात करने वाले हैं उसका नाम बता देता हूँ उसका नाम है रामको सिस्टम राम को सिस्टम की अगर मैं बात करूं आज के दिन तो आज के दिन ये भागता हुआ दिखाई दिया और हम देखे लास्ट टाइम में ही भागता दिखाई दिया और हमने इससे पहले राम को सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बात करी है ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हम देखे तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर थ्री मंथ्स पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी उस टाइम अगर हम देखें तो ये शेयर की कीमत कितनी थी उस इसी प्राइस के आसपास थी और तब तो हमने यहाँ पर ये शेयर को खरीदा था और बेहतरीन रिटर्न दिखाई देते बीस परसेंट तक के और वो भी विद इन अ मंथ ही मिल गए थे और यहाँ पर तीन महीने हो चुके हैं हमने बेच भी दिया था अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है तो दोबारा हम यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करिएगा बट मैं आपको कुछ पैरामीटर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले रामकुर सिस्टम की अगर हम बात करें लास्ट वीडियो का भी लिंक दे दूंगा तो, तो यहाँ पर कंपनी तो काम करती हुई नजर आती है मतलब आप अगर एक तो आई कंपनी है तो ये जितने एविएशन से रिलेटेड एविएशन तो है कि अभी तो नहीं चल रहा है बट अगर बात करें फ्यूचर है एरोस्पेस और डिफेंस में यहाँ पर चली रही है तो यहां पर अगर बात करें ये कंपनी वहां पर एक अच्छा प्ले करती हुई दिखाई देगी ई की बात करें इंटरप्राइज एसेट मैनेज

ये इसके बिजनेस पार्टनर है अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आई थिंक इसके पार्टनर है यहाँ पर देखेंगे तो वर्क डे डिलइट दि, के पी एम जी औरकल माइक्रोसॉफ्ट हनीवेल हिटाची मतलब जितने ही बड़े हैं एमेजॉन वेब सर्विस डी एक्सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ, सम टोटल्स टाटा टी सी एस इंफोसिस विप्रो टेक मा यहाँ पर हर किसी के साथ यहाँ पर ये यह कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है तो आपको समझना होगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है छोटा सा शेयर है ओके इसी वजह से यहाँ पर अगर शेयर का प्राइस देखे तो सेवेंटी फाइव रुपीज से यहाँ पर कितना लंबा ये भागता हुआ दिखाई दिया तो कुछ रीजन होते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को चूज करने से रिलेटेड अलावा इंडस्ट्री से रिलेटेड से हमने बात कर लिया से related बात कर लिया है और भी कुछ इससे जानना है तो यहाँ पर आप इनके जा सकते हैं पर ये जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है तो मतलब वही चीजें यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रखी है यहाँ पर आप इनके इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं इसके अलावा ट्रस्टेड हंड्रेड थाउजेंड प्लस कस्टमर्स की बात करें अक्रॉस थर्टी फाइव कंट्रीज तो डाबर रेड टैग यहाँ पर स्टैंडर्ड ये बड़े बड़े well well बैंक्स प्लस uh, है, है, है मतलब इतनी बड़ी कंपनी है और अगर हम बात करें इसी वजह से यहाँ पर इसका जो शेयर प्राइस है वो भी यहाँ पर भागता हुआ अच्छा खासा दिखाई दिया है यहाँ पर अगर हम एक, एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर तो ये दिखा रहा है बट हम गिरावट uh, uh,

बाद में हिम्मत नहीं हुई टू सेवेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव रुपीज के आसपास हिम्मत नहीं हुई फिर ऊपर गया फिर यहाँ पर नीचे आया तो हम यहाँ पर अभी स्विंग ट्रेडिंग कर करके यहाँ पर पैसे निकाल रहे हैं पैसा बनना चाहिए कैसे ही बने डिजेंट मैटर यहाँ पर अगर बात करें और भी कुछ यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड पढ़ सकते हैं रामको सिस्टम इज सॉफ्टवेयर प्लेयर हैविंग मल्टी टेनेंट क्लाउड्स एंड मोबाइल बेस्ड एंटरप्राइजेस एच आर एन ग्लोबल पेरोल एम एम यहां पर जिससे रिलेटेड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहां पर अगर इनकी रिवेन्यू की करें तो आपको पता चलेगा रिवेन्यू यहाँ फाइनेंशियल कंट्री की दे रखी है कि इनकी फोर्टी परसेंट जो रिवेन्यू आती है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो राम को ईआरपी के थ्रू फोर्टी परसेंट इस प्रोडक्ट लाइन प्रोवाइड्स ईआरपी आर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से इनकी आती है इनकम इसी के अलावा थर्टी सेवन परसेंट की लॉ एच आर से आती हुई दिखाई देती है इसके अलावा ट्वेंटी थ्री एविएशन से आती हुई दिखाई देती है तो इस तरीके से इनका रिवेन्यू आती है जियोग्राफिकल अगर हम देखें फोर्टी थ्री परसेंट पर टोटल रिवेन्यू यहाँ पर एशियन स्पेसिफिक मार्केट से आती हुई दिखाई देती है इंडिया रिवेन्यू हैज़ इंक्रीज ट्वेंटी इन ट्वेंटी और दो में यहाँ पर बीस से 20 से 25 परसेंट हो गया है, तो यहां पर अफ्रीका से भी अच्छी खासी इनकम है जो कि बढ़ती हुई दे दे, की बात करें ऑलरेडी हम यहाँ पर बात कर चुकेटेड पर रिलेटेड एक बार जाइए वेबसाइट पर इस एक बार चेक करिए आपको एक आइडिया लग जाएगा वॉट कंपनी इज एक्टली इसके अलावा बात करें डेट की तो देखिए दस के आसपास की डेट है ज्यादा डेट नहीं है फिफ्टीन परसेंट का आर है ठीक ठाक आर है अच्छा भी नहीं कहेंगे बुरा भी नहीं कहेंगे 43 का पीई है मार्केट कैप की बात करें रहे हैं स्मॉल कैप कंपनी ऑलरेडी बता दिया 14 33 जो कि हम यहां पर देखते हैं इसमें क्या होता है इसमें शेयर भागता भी तेज है गिरता भी तेज है तो यहां पर इसका मतलब ये होता है इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ चीज की क्वार्टरली रिसर्च देखते हैं तो देखिए कंपनी एक साइडवेज जोन में या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज जोन में ही कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही थी आ, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है फिर यहाँ पर से अगर हम बात करें यहाँ पर मार्च के बाद मार्च 2020 से यहाँ पर एक कंसिस्टेंट रैली दिखाई दिसंबर तक उसके बाद यहाँ पर मार्च जून यहाँ पर एक साइडवेज वेज यहाँ पर कंपनी चलती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस बार का जो हम देखें कंसोलिटेड प्रॉफिट है तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है बट अगर हम यहाँ पर स्टैंड लॉन्न एक बार इनका देखते हैं

जैसे कि हमने देखा था तो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स से भी प्रॉब्लम हुई थी बीच इस क्वार्टर के बीच में तो यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर हैम्पर होता हुआ दिखाई दिया दिस इज द रीज़न कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक इसी रीजन की वजह से यहाँ पर इनकी रिवेन्यू और हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया बट एवरीथिंग इज ओके इन दिस क्वार्टर ओके okay, तो मेरे को लगता है कि ये क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी सेल्स की बात करें यहाँ पर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है कंपनी हाइस्ट लेवल यहाँ पर पिछले आ, मार्च 2021 से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और यहाँ पर यहाँ पर बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया जो कि काफी अच्छी बात है वेल रिजर्व्स की बात करें रिजर्व एट फोर्टी करोड़ के रिजर्व्स हो गए अच्छे खासे रिजर्व है बोरिंग की बात करें कंपनी ने अपनी बोरिंग को कम किया है ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स है फिक्स एसेट देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है मतलब कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे खर्च करती हुई नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट थ्री सिक्सटी नाइन करोड़ रुपीज का है ट्रेड वान वान एट का है टू करोड़ रुपीज का कैश है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, है यहाँ पर इसी रेंज में चल रही है ज़्यादा अच्छी आरोपी नहीं है बट अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिफ्टी ही है जो कि लास्ट क्वार्टर में भी थी एफ आई की होल्डिंग की बात करें ना के बराबर थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है डी आई एस की बात करें डी आई एस यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वार्टर में पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास यहाँ पर थर्टी फाइव परसेंट की होल्डिंग है और इसमें से एक बड़ा नाम विजय कृष्णलाल केड़िया सर यहाँ पर देखिए वन पॉइंट एट वन मतलब उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ लग रहा होगा एक बड़े इन्वेस्टर है आपको पता ही ही है एक लेजेंट है तो अगर हम बात करें इनसे हमें सीखना चाहिए इनके इंटरव्यू भी देखिए अगर देखा करें एज वेल एज इनका पोर्टफोलियो भी देखा करें यहाँ पर पोर्टफोलियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो इनका पोर्टफोलियो हमें आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर पोजीशन अभी कहाँ कहाँ ले रखी है वो आपको समझ में आ जाएगा चलो आइए बा, आगे बात करते हैं एक पर्टिकुलर और की तो हम जिस चीज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं रामको सिस्टम तो हम रामको सिस्टम से यहाँ पर निकालते हैं और देखते हैं एक बार इसका चार्ट पैटर्न तो देखिए ये कंपनी हमारा देखिए दो तीन तरीके के रूल्स होते हैं दो तीन स्ट्रेटेजी होती है उस स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए Okay, और अगर हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे ना तो ऑब्वियसली हमारे पैसे बनते हुए नजर आते हैं और अच्छी कंपनी में हमें दिख रहे और जहां पर थोड़ा सा जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन वहां पर गिरावट हो उसके रेवेन्यू में उसके फाइनेंशियल्स में तो एक अपॉर्चुनिटी वहां पर बन जाती है वहां पर नेगेटिविटी नहीं देखी जाती वहां पॉजिटिविटी देखी जाती है तो हम यहाँ पर देखें तो ये शेयर थर्टी थर्टी के डी एम ए पे मतलब थर्टी के आर एस आई पे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था तो सबसे पहला थर्टी के डी आर एस आई पे यहाँ पर आ जाए तो थर्टी के नीचे तो यहाँ पर ट्वेंटी का आ गया था पर देखिए आर बदल रहा है तो ट्वेंटी वन के आर पे अगर आ, आ रहा है शेयर तो यहाँ पर खरीद लेना चाहिए पहली बात दूसरी बात अच्छी कंपनी जब आपको यहाँ पर मिले कहा 200 हंड्रेड डीएमए के नीचे तो वहाँ पर खरीद लेना चाहिए तो 200 हंड्रेड डीएमए आर एस आई सब चीज यहाँ पर फेवरेबल हो गई थी और कंपनी के रिजल्ट थोड़े बहुत यहाँ पर नेगेटिव थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन जो कि हमें समझना पड़ेगा ओके okay, और इस चीज को हमें समझना ही चाहिए हमें पता करना चाहिए कंपनी करती क्या है लॉजिस्टिक का बिजनेस यहाँ पर शायद हेम पर हुआ है इसके अलावा हम बात करें का हुआ है तो इस वजह से शायद इनकी इनकम थोड़ी सी कम हुई है डिफेंस भी यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दिया तो इसको हमें एक क्वार्टर के लिए समझना पड़ेगा और इस वजह से हम देखिए तो शेयर यहाँ पर नीचे और आज के दिन में यहाँ पर नीचे आके इसने एक रिवर्स यहाँ पर कैंडल दिखा दी और यहाँ पर कितने पे 590 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया मैंने यहाँ पर दो तीन दिन पहले यहाँ पर इस शेयर को परचेज कर लिया था आज अगेन परचेज करने वाला था बट यहाँ ऑर्डर लगा के रखा था उस जहां से ऑर्डर लगाया वहीं से यह भागता हुआ दिखाई दिया बट कोई इशू नहीं है अगर ये थोड़ा सा गिरेगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करेंगे क्यों ऐड करेंगे क्योंकि कंपनी मुझे एटलीस्ट अच्छी नजर आती है और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनी रहा है लोगों का तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है इसके अलावा लास्ट टाइम की बात करें लास्ट टाइम भी हमने इसी चार के आसपास यहाँ पर पकड़ा था और हमने यहाँ पर ज्यादा नहीं रखा था हमने यहाँ पर पंद्रह बीस का रिटर्न लेके इस शेयर को यहाँ पर बीस तक का रिटर्न लेके जो बेच दिया था उसके बाद तो कंपनी नीचे जाके फिर ऊपर जाके फिर और ऊपर जाके यहाँ फिर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है बट कोई इशू नहीं है हमें एक क्वार्टर में 20% के एक पर्टिकुलर शेयर से रिटर्न मिल जाए तो एक मल्टीबैगर रिटर्न्स कहते हैं और इसमें 10 लाख रुपए लगा के अगर 40% का हमें प्रॉफिट मिल जाए तो समझ लीजिए लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं टैक्स कि अच्छा है। पर कर 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 तो पर कितने परसेंट के यहाँ पर रिटर्न बन रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग लगभग एटी के रिटर्न हमें यहाँ पर साफ नजर आते हैं और अगर कंपनी ने आगे चल के पहले सुन लीजिए बात को कि अगर कंपनी ने आगे चल के अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश किए तो ये 87% के रिटर्न आपको एक साल के अंदर अंदर आते हुए दिखाई देंगे बल्कि और भी कम टाइम में क्योंकि आ, आ, यहां पर हम बात करें आईटी तो आईटी ऑलरेडी आई चल रहा है बट हम यहाँ पर इतने लंबे टाइम के लिए नहीं रुकेंगे ओके रिजल्ट कैसे भी आए रिजल्ट से पहले अगर हमें 20 के भी रिटर्न मिल जाते चुपचाप हम बीस के रिटर्न लेंगे और यहाँ पर से एग्जिट कर लेंगे चाहे ये कंपनी कितनी भी दूर जाए यहाँ पर फोर्टी के यहाँ पर अपसाइड मुझे नजर आता है कितने टाइम में इसके जो अभी के रिजल्ट आने वाले हैं ओके दो ढाई से तीन के अंदर अंदर उसमें मुझे फोर्टी परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ गए तो और यहाँ पर और एक लंबी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे रही है तो बीच में और देखेंगे बट बीस परसेंट के यहाँ पर रिटर्न मिलते हैं तो चुपचाप हम निकल जाएंगे बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा और अपनी स्ट्रैटेजी आपको कितना रिटर्न चाहिए वो आप खुद के हिसाब से यहाँ पर तय करके रखिए ताकि इस तरीके की आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कब एग्जिट करना है कब एंट्री लेनी है तो ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न मिलती साथ मैं एग्जिट कर लूंगा आप अपना देखिएगा बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा दूसरे लोगों के साथ शेयर करे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस